शिक्षा नगरी कोटा में लॉकडाउन के बीच लाखों कोचिंग छात्रों की घर वापसी हो चुकी है, जिसके कारण शहर में बने हॉस्टल और मेस पूरी तरह से वीरान हैं। शहर के राजीव गांधी नगर, तलवंडी, कुन्हाड़ी, लैंडमार्क सिटी वो इलाके हैं जहां पर 2 माह पहले कोचिंग छात्रों की भरमार देखने को मिलती थी, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। कोटा को शिक्षा नगरी के नाम से जाना जाता है। अगर यहाँ की बात करें तो पूरे देश भर से यहाँ पर लाखों की तादाद में बच्चे यहाँ पर पढ़ने के लिए आते हैं। लॉकडाउन के बाद में कोटा की क्या स्थिति है आप देख सकते हैं। ये वो शहर है जहाँ पर बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। आप देख सकते हैं कोटा का ये वो नज़ारा है जहाँ पर आपको बहुमंजिला इमारतें दिखाई दे रही है। ये सभी बहुमंजिला इमारतें हॉस्टल है, मगर इन हॉस्टलों में रहने वाले बच्चे अब यहाँ से चले गए हैं। सामने की तस्वीरें कैमरा पर्सन से कहूँगा, सामने की तस्वीरें दिखाएं। ये उन बच्चों के लिए दुकानें लगाई गई थी जो यहाँ पर रहते थे, मगर अब इन दुकानों पर आने वाला बच्चा ही जब यहाँ नहीं है तो इन दुकानों पर कौन आए। साथ में इन बहुमंजिला इमारतों में की संख्या की बात करें तो ऐसी यहाँ पर हजारों बिल्डिंगें हैं जिनको हॉस्टल में तब्दील किया जा चुका है। यहाँ से बच्चे जाने के बाद में लोगों के पास आर्थिक जो समस्या है, काम की जो समस्या है, वो लगातार उत्पन्न होती नजर आ रही है। रोड सूने पड़ चुके हैं, हॉस्टलों पर ताला लग चुका है, मेस थे वो बंद हो चुके हैं और हजारों लोग बेरोजगार हो गए हैं। शिक्षा नगरी लॉकडाउन के बाद में कहीं ना कहीं बहुत बुरी स्थिति में गुजर रही है। कैमरामैन दीपक के साथ राजेंद्र भारद्वाज, A1 के लिए कोटा से।